हाय, मैं हूँ दलजीत कौर और मैं आपको बताने वाली हूँ दैट यू नो व्हाट आई ईट व्हाट आई डोंट ईट थ्रू द डे. आर यू वन ऑफ दोस ब्लेस्ड सोल्स हु कैन ईट एनीथिंग एंड गेट अवे विद इट? आई एम अ सरदारनी एंड वेरी सैडली सरदारनीज हैव अ जीन्स ऑफ पुटिंग वेट लाइक दैट. तो मुझे लगता है मैं कभी कभी पानी भी पीती हूँ तो वो भी मेरा पुट ऑन हो जाता है उससे. सो या नो आई एम नॉट दैट ब्लेस्ड लाइक दैट. एनी मॉर्निंग रिचुअल्स यू डू फॉर योर हेल्थ? मुझे चाय की लत है. मैं मॉर्निंग में जब तक चाय ना पीऊँ मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती है. तो मैं शुगर की जगह जैगरी यूज़ करती हूँ. आई यूज़ जैगरी. अब मुझे शुगर वाली चाय पसंद ही नहीं आती है. तो या दैट आई नीड टू हैव चाय इन द मॉर्निंग. मैं इतनी सी पीती हूँ लेकिन मुझे जब तक चाय ना मिले मेरे दिल की शुरुआत नहीं होती. व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर? सो आई फॉलो समथिंग कॉल द इंटरमिटेंट डाइटिंग क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत डिफिकल्ट रहता है डेली. सो यू नो 12-12 घंटे शूट करना, फिर आने के बाद मुझे लालच होता है जेरन के साथ टाइम स्पेंड करना. तो मुझे जिम जाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है. इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर दैट आई हैव नॉट बीन टू द जिम एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट. अभी मेरा शो खत्म हुआ है तो आई माइट जस्ट पिक अप यू नो वर्किंग आउट अगेन. बट इंटरमिटेंट डाइटिंग मैं करती हूँ जहाँ मैं 16 आवर्स आई डोंट ईट और 8 आवर्स के अंदर आई ईट 3 मील्स. और उस 3 मील्स में आई ट्राई एंड अवॉइड अ लॉट ऑफ स्वीट्स बट आई ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आई ईट चावल, दाल, रोटी, सब्जी, एवरीथिंग. अराउंड व्हाट टाइम डू यू हैव योर लास्ट मील? आई ट्राई टू फिनिश बाय 8:30 लास्ट एंड देन आई स्टार्ट माय मील बाय अराउंड 12-1. आर यू एन अर्ली राइजर और नाइट आउल? अर्ली राइजर थैंक्स टू लॉट ऑफ रूटीन्स इन माई हाउस. स्कूल जाता है एक बच्चा तो उसके चक्कर में मेरे दिन की शुरुआत 6 बजे होती है. और अब ऐसा हो गया कि अगर उसकी छुट्टी भी होती है तो मैं 6 बजे उठ जाती हूँ. मुझे लगता है डैम मुझे सोना है लेकिन नींद नहीं आती तो मेरी आँख ऑटोमेटिकली आजकल 6 बजे खुल जाती है. पोस्ट वर्कआउट मील कंसिस्ट ऑफ? पोस्ट वर्कआउट शुड बी ऑफ लिटिल बिट ऑफ कार्ब्स, लॉट्स ऑफ प्रोटीन. इट शुड बी अ गुड बैलेंस डाइट क्योंकि जब आप वर्कआउट करके आते हैं योर बॉडी काइंड ऑफ गोज थ्रू अ लॉट ऑफ अब्यूज बिकॉज आप यू नो यू पिक अप वेट्स एंड एवरीथिंग. इट्स ऑलमोस्ट अब्यूजिंग योर बॉडी सो यू नीड टू रिपेयर इट. तो कई लोग BCAA इमीडिएटली पीते हैं जिम में ही सो दैट इट काइंड ऑफ रिपेयर्स. अदरवाइज आई सजेस्ट कि थोड़ा बहुत कार्ब्स एंड लॉट्स ऑफ प्रोटीन यू नीड टू हैव इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट. व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द बेस्ट टू वर्कआउट? Ideally early morning, because अब morning के बाद क्या होता है आपकी body उसमें ही रहती है क्योंकि आप दिन आप जब बोलते हैं तब भी energy waste होती है. आप जब चल रहे हैं you know anything that you do, so I think वो एक अच्छा momentum बन जाता है अगर आप morning में workout करें. And also I think it's a beautiful routine to make. How often is it okay to cheat? Once in a week. Unless, of course, first you have to achieve your weight. Cheating is not meant for those who have a huge target to achieve. Cheating तब करनी चाहिए जब आप अपना major जो target है वो achieve कर चुके हैं और अब आप maintain कर रहे हैं और maintain करते हुए आप cheat deserve करते हैं. तो cheating should not be when you have just started working out और आप cheat शुरू कर दें, then you'll be like यार मुझे result नहीं मिल रहा. तो any strict no-nos in your diet? Sweets, I avoid. I love ghee, so I don't really मैं परहेज नहीं करती घी से. मीठा या सो मोस्टली मीठा. तला हुआ इज़ फाइन, घी इज़ फाइन. मैं ज़्यादा परहेज आई लाइक टू टेक बैलेंस डाइट जिसमें मैं रोटी सब्जी सब कुछ खाती हूँ. बट हाँ मीठा मैं अवॉइड करती हूँ. Your favorite healthy munchies? I love soya sticks. I love Deradi's makhana जो 2 yum का आता है वो मेरे favourites हैं. और स्पेशली द तंदूरी वाला आई लव इट. हेल्दीस्ट अल्कोहलिक ड्रिंक अकॉर्डिंग टू यू? आई लाइक मोहितो. आई थिंक इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड आई एम अ वेरी शैम्पेन पर्सन सो आई लाइक स्पार्कलिंग. आई नो इट्स फैटनिंग बट आई लाइक स्पार्कलिंग. व्हाट आर योर चीट मील्स लाइक? चीट मील्स आई थिंक यू विल लाफ एक्चुअली. माय चीट मील इज बन. मुझे क्रोसां हो बन हो मुझे बहुत पसंद है. सो व्हेन आई वांट टू चीट आई एंड अप हैविंग ब्रेड. Any lifestyle changes you have made over the years? Yes, intermittent ki wajah se mera pura lifestyle hi change ho gaya because I eat early dinner and I start my first meal is at around 12-1 o'clock. So wo ek lifestyle hi change ho gaya. Subah uthte hi mujhe bhook nahi lagti hai aajkal. To wo 16 hours ki fasting se my routine has changed. Main jaldi soti hu isi chakkar mein ki bhook na lage so jao isse acha. To usse mera pura routine bahut acha ho gaya.